हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, विज हिंजम पोर्ट, तो ये अडानी जी का पोर्ट है केरला में। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया है, आप चेक करिए। लेटेस्ट रो ओवर दी मेगा प्रोजेक्ट, तो क्या है ये देखते हैं। देर इज़ अ फ्रेश डिबेट इन केरला ओवर दी अंडर कंस्ट्रक्शन विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट, द कंट्रीज फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ऑन संडे द स्टेट अकॉर्डेड अ ग्रैंड रिसेप्शन टू अ वेसल दैट बॉट अ शिप टू शोर क्रेन टू द पोर्ट। डॉकिंग ऑफ दी हैवी लोड कैरियर वेसल इज बींग सीन एज अ माइल स्टोन टूवर्ड्स द ऑपरेशन रेडीनेस ऑफ द मच डिलेड प्रोजेक्ट। वाइल द रूलिंग CPIM एंड द अपोजिशन कांग्रेस स्टार्टेड अ क्रेडिट वॉर ओवर द प्रोजेक्ट, सीनियर बीजेपी लीडर एंड मिनिस्ट्री MoS बी मुरली धरन टर्म द रिसेप्शन ऑफ अ शिप विद कंस्ट्रक्शन मटेरियल पब्लिसिटी स्टंट। तो इन्होंने इसको पब्लिक, देखिए ये सारी गवर्नमेंट की चीज़ें हमें नहीं जानना। हमें जानना है ये पोर्ट इंडिया के ऊपर इफेक्ट, इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉट इज द प्रोजेक्ट। तो चलिए देखते हैं। लोकेटेड नियर तिरुवनंतपुरम विज हिंजम इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इट हैज नेचुरल डेप्थ ऑफ मोर देन 18 मीटर, स्केलेबल अप टू 20 मीटर, विच इज़ क्रूशियल टू गेट लार्ज वेसल्स एंड मदर शिप्स। इट इज़ लोकेटेड 10 नॉटिकल माइल फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग रूट। ₹7,600 करोड़ प्रोजेक्ट इज बींग एग्जीक्यूटेड बाई अडानी पोर्ट एंड SEZ प्राइवेट लिमिटेड। अटेम्प्ट टू एग्जीक्यूट द पोर्ट वर मेड बाई सक्सेसिव रिजाइम। फाइनली इन 2015 द देन कांग्रेस गवर्नमेंट इंक्ड अ डील विद अडानी ग्रुप। ऑफ अ टोटल इन्वेस्टमेंट द अडानी ग्रुप वुड इन्वेस्ट ₹2,454 करोड़ एंड अंदर ₹1,635 करोड़ वुड बी मोबिलाइज फ्रॉम सेंटर एंड द स्टेट। विच वेसल डॉक्ड एट विज हिंजम? हांगकॉन्ग फ्लैग जेनू हुआ 15 डॉक्ड एट द सी पोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। इट इज मेंट फॉर मूविंग कार्गो फ्रॉम शिप्स टू द शोर। 7 मोर सच क्रेन वुड बी बॉट फ्रॉम चाइना इन अपकमिंग मंथ्स। Why is transshipment port needed? India has 13 major ports. What it lacks is a landside mega port to deal with ultra large container ships. Hence, nearly 75% of the India's transshipment cargo is handled at the ports like Colombo, Singapore, and Kallang. So, India mein abhi tak aisa port nahi tha. Developing a port into a transshipment hub will bring the benefits such as forex saving, foreign direct investment, development of रिलेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू शेयर। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगी। वाई वॉज प्रोजेक्ट डिलेड? द अदानी ग्रुप इन 2015 प्रोजेक्ट वुड बी रेडी इन 1,000 डेज। हाउएवर इट मिस डेडलाइन सेवरल टाइम्स सिंस 2019, मेनली ड्यू टू द डिले इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेक वाटर। द 2017 ओक्ची साइक्लोन, द COVID-19 पेंडेमिक, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेनाइट बोल्डर्स टू बिल्ड 3.1 किलोमीटर ब्रेक वाटर। द लास्ट ईयर फिशरमैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डी डिले। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसमें चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विज हिंजम पोर्ट कहाँ पर है? केरला में है, ठीक है। ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट, अब देखिए क्या है, कंट्रीज फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसका नेचुरल डेप्थ कितना है? 18 मीटर। स्केलेबल कब तक है? 20 मीटर तक। अभी पहला यहाँ पर कौन आया था? चाइना से आया था। कौन सा वेसल आया था चाइना का? आप देखिए किधर गया, हांगकॉन्ग जेनू हुआ 15, हांगकॉन्ग जेनू हुआ 15 आया था। ये नहीं था तो इंडिया कहाँ पे रुकता था? कोलंबो, सिंगापुर, कलांग में। इसके आने से क्या होगा? FDI बढ़ेगा, डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीज रेवेन्यू, फॉरेक्स सेविंग होगा। हम यहाँ पर जाते थे तो उनको पैसा देते थे, तो फॉरेक्स सेविंग होगा यहाँ पर। अब हमारे पास जो रुकेगा वो हमें पैसा देगा, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रिलेट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे फिशरमैन प्रोटेस्ट हुआ, ग्रेनाइट बाउलर्स के शॉर्टेज हुए, कोविड 19 आ गया। किसका है? अडानी पावर का, अडानी
पोर्ट्स का है, ठीक है, ये अडानी पोर्ट्स का है, खरीद लो शेयर में, अभी भी बोल रहा हूँ, 800 850 का चल रहा है, आराम से आपका 1100 1200 जाएगा फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे 10 साल की बात कर रहा हूँ, खरीदो जितना खरीद सकते हो दबा कर। अब आप बोलोगे इतना ही बढ़ रहा है, भैया खरीदो ना, नीचे भी गिरेगा कभी, और ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 1100, ये आपका 2100 भी पहुँचेगा एक दिन, आप देख लेना। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, पोर्ट के शेयर कर दो अदानी जी के, और इस पोर्ट के बारे में पढ़ो हम। और हाँ एक चीज़, जैसे ये केरला है, यहाँ पर ये विज हिंजम यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम में, उसके पास में, केरला में। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।